एक सोनुआ को तो आपने प्राइवेट स्कूल में करवा दिया, करोड़ों सोनुआ कहा जाएगा? करोड़ों सोनुआ के लिए तो नॉट मेरिट का टीचर भर दिया आपने, दीपक कुमार भर दिया, लाखों दीपक कुमार रख के बैठे हैं, 50,000 और दीपक कुमार अयोग्य टीचर नॉट मेरिट आप भरने वाले हैं, जिसको संडे और मंडे के स्पेलिंग नहीं आता। हमने तो कई बार कहा है कि संडे और मंडे, आज तो सबूत हो गया एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आया। बताइए तो एडमिशन, टीचर कह रहा है कि एडमिशन के लिए वो बच्चा आया था, तो पत्रकार भाई बोल दिए कि एडमिशन का स्पेलिंग बता दीजिए सर। फिर बोले कि हेडमास्टर साहब से साइन करवाने आया था, बोला हेडमास्टर साहब का स्पेलिंग बता दीजिए सर। हाय रे व्यवस्था, शर्म भी नहीं आता इन लोगों को, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। कलम में ना पावर होता है, अगर शिक्षित व्यक्ति को आप लीजिएगा ना तो नाम आसाने नहीं देगा। बिहार की धरती है जहाँ से ज्ञान पुरुष पैदा हुए थे, यहाँ ज्ञान की धरती है, ज्ञान गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, यही बिहार की धरती है। आज पूरे देश में क्या हो रहा है, अपमान हो रहा है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। देखिए NBC के न्यूज रूम में आज STET के दो मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, एक तरफ अभिषेक कुमार झा हैं तो दूसरी तरफ अनिल कुमार हैं, जो कि लगातार तमाम अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहते हैं, लगातार आंदोलन करते हैं। बता दें आपको कि 6 जून को तमाम STET मेरिटधारी अभ्यर्थियों का आंदोलन होने वाला है गर्दनीबाग धरना स्थल पे। इस पे हम आज चर्चा करेंगे अपने न्यूज रूम में अनिल से। पहले हम जानेंगे अनिल क्या कहिएगा इस पे, पहला सवाल क्या? सबसे पहले अभिषेक भाई तहे दिल से शुक्रिया, और NBC 24 को 6 जून को नहीं, 6 जून से पटना के गर्दनी बाग में एकदम धरना पे, अनशन पे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, उठेंगे नहीं, प्राण का त्याग कर देंगे, लेकिन सरकार से बात को मनवा करके ही अपना दम लेंगे। तो 6 जून को नहीं, 6 जून से, इसको सही कर लिया जाए। दूसरा संदेश क्या रहेगा तमाम अभ्यर्थियों के लिए? जी देखिए, 6 जून से जो हम लोग आमरण अनशन शुरू करने जा रहे हैं STET तमाम मेरिट के अभ्यर्थी, उसमें मेरा सबसे पहला मांग यही है कि सरकार विज्ञापन संख्या PR 373/2019 जो जारी किया था, और उस विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया जो भी थी, हमने उस विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया के आधार पर फॉर्म भरा और 3 साल तक तैयारी किया। आप उस विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद बदलाव नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आपके पसंद के लोग अगर परीक्षा में पात्र नहीं होंगे तो आप उसे जबरदस्ती का पात्र बनाएंगे, जबरदस्ती का पात्र बनाएंगे, यही विवाद का कारण है। खेल के बाद खेल के नियम नहीं बदले जाते, गोल के बाद गोल पोस्ट नहीं बदले जाते, और हम इतने कमजोर नहीं हैं जो हम इधर उधर दौड़ते रहें। सचिवालय में मेरे खिलाफ निर्णय लिया गया है, सचिवालय के ही हम सामने समझ लेंगे, हमारे खिलाफ लिए हुए निर्णय को सरकार वापस ले, और विज्ञापन में चयनित, विज्ञापन के अनुसार चयनित सभी 30,675 मेरिट के अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करे। कैसे करेगी ये सरकार का काम है। अभिषेक कुमार झा जी, आपसे कुछ सवाल रहेंगे, नियुक्ति में एकेडमिक का मार्क्स जो है बनाया जाता है, यह सही है? और यह सही है तो STET 19 विज्ञापन पालन करती है क्या इसका? सबसे पहले आपको शुक्रिया इस मुद्दे को आपने उठाया। एकेडमिक मार्क्स पे बनाना एकदम उचित नहीं है। हम बताते हैं क्यों उचित नहीं है कि UPSC का एग्ज़ाम जो होता है उसमें 3rd डिवीज़न, 2nd डिवीज़न वाले भी अपीयर होते हैं, वह रैंकर 1 होते हैं, ऑल इंडिया रैंकर 1 होते हैं UPSC में। क्या उनका एकेडमिक मार्क्स अगर जोड़ा जाए तो ऑल इंडिया रैंक 1 दे सकते हैं? नहीं। हो सकता है उस समय उनकी कोई परेशानी हो, उनके घर में कोई परेशानी हो, उनकी माता डेथ कर गई हो, तो उस समय का आप एकेडमिक को नहीं जोड़ सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग STET 19 में हम लोग का विज्ञापन में निकाला गया था कि ऊपर से नीचे तक हम लेंगे, ऊपर से नीचे के क्रम में लेंगे, ना कि एकेडमिक मार्क्स पे लेंगे। अगर हमारे में क्षमता अभी है कि हम जो दे रहे हैं एग्जाम दे रहे हैं बेस्ट दे रहे हैं, टीचर अच्छे आ रहे हैं ऊपर से, तो हम उनको लेना। सरकार एकेडमिक पर लेना चाह रही है। आज हमारा देश में बिहार सबसे नीचे पायदान पे शिक्षा है, क्यों? कारण यही है कि इस चीज़ को बदला नहीं जा रहा। आज आधुनिक जमाना में नियोजन इकाई में घुमाया जा रहा है टीचर को, सब चीज़ ऑनलाइन हो जा रहा है,
राशन कार्ड ऑनलाइन है, डीजन अनुदान ऑनलाइन है और टीचर की बहाली ऑफलाइन क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा धांधली किया जाता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले चीज एस्टेट 2019 का जो विज्ञापन है, विज्ञापन का पालन कीजिए। और जिस तरीके से विज्ञापन में निकाला गया था कि हम जितने सीट रहेंगे ऊपर से मेगा क्रम बनाएंगे, मेरिट लिस्ट बनाएंगे, मेरिट लिस्ट बनाई भी गई लेकिन कुछ तुगलकी फरमान जारी कर दिए गए 4 दिन की कमेटी में, और उसके बाद मेरिट नॉट मेरिट को एक कर दिया गया। आज जो हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था है देख सकते हैं कि यही परिणाम है। एकेडमिक मार्क्स पे आप बहाली नहीं कीजिए, आप प्रेजेंट में क्या है सिचुएशन कैंडिडेट का उस पर बहाली कर सकते हैं। यही मेरा कहना है कि एकेडमिक मार्क्स गलत है और एस्टेट 2019 का जो विज्ञापन आया था इसको एकदम निरस्त करने के लिए आया था कि एकेडमिक मार्क्स एकदम गलत है। विज्ञापन में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि हम जो एग्जाम ले रहे हैं जितना सीट है उतना ही हम रिजल्ट जारी करेंगे। कोई भी एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स होती है 45%, 50%, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पास हो गए। ये बिहार सरकार सिर्फ टीचरों की बहाली में ऐसा क्यों कर रही है? बिहार पुलिस की बहाली करती है तो ऊपर से ही लेते हैं, तो टीचर ही जो समाज का निर्माण करते हैं उनका ही आप भविष्य गर्त में कीजिएगा तो क्या होगा हमारे इस बिहार के बच्चे का? अनिल जी, तीसरा संदेश क्या रहेगा तमाम अभ्यर्थियों के लिए? सबसे पहले मैं एकेडमिक पे बोल दूंगा। देखिए एकेडमिक पर एक तो कि सभी जितने भी देश में विभिन्न यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय हैं, कहीं पे धड़ल्ले से धांधली चीटिंग चलती है, कोई छुपा हुआ नहीं है। जैसे बिहार के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मगध यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ज़बरदस्त धांधली का एक अड्डा है, चोरी चलता है, माने लिमिट पार है। वही पटना यूनिवर्सिटी में फेयर एग्ज़ाम होता है, तो जो एक इंटेलिजेंट अभ्यर्थी है, स्टूडेंट है, जो साइंस कॉलेज में पढ़ता है, उसका आ रहा है 50% और चीटिंग करके 80% मगध यूनिवर्सिटी से ला रहा है, तो एकेडमी कैसे फेयर हो जाएगा? हम कहना चाहेंगे, मैं पटना यूनिवर्सिटी का 2011 का पीजी पास आउट हूँ। हमारे एचओडी आरवी सिंह थे जो वीसी भी रहे, दो एचओडी हमारे वीसी हो चुके हैं, सुदीप्तो अधिकारी, डॉक्टर सुदीप्तो अधिकारी और आरवी सिंह। उस समय हम लोग को प्रैक्टिकल जो कराया जाता था सुबह से शाम हो जाते थे प्रैक्टिकल में, और जब फाइनल मार्क्स होते थे तो 50 में से 35 हाईएस्ट जाता था। और बिहार के अदर यूनिवर्सिटी में जहाँ प्रैक्टिकल नाम का एक इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, उनको 49 नंबर आते हैं 50 में, तो कैसे एकेडमिक पे आप लीजिएगा? एक बेस्ट यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी 35 नंबर दे रही है जो लड़का को प्रैक्टिकल करा रही है। आज अगर कह दिया जाए अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे को कि थ्योरोलाइट मशीन क्या होते हैं, डम्बी लेवल क्या होते हैं, प्रिजिम्ट कंपास क्या होते हैं, तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमने पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और जाना है, लेकिन मार्क्स 50 में से 35 मिलता है। कई यूनिवर्सिटीज में धड़ल्ले से 5 kg तक का बुक लेकर के जा सकते हैं। मगध यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, कैसे? आरा यूनिवर्सिटी उदाहरण है, 5 kg तक आप एग्जामिनेशन हॉल में बुक लेकर के जा सकते हैं और 2 दिन पहले से क्वेश्चन आउट, मैट्रिक के क्वेश्चन आउट, मेरे मोबाइल में मैट्रिक के क्वेश्चन आया हुआ है, मैं दिखा दूंगा, पूरे बिहार में वायरल है। इंटर के शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बिहार का, क्या बात कर रहा है? तो सारा ये सोनू जो है सारा पोल खोल दिया ना, जो दीपक कुमार टीचर को नियुक्त किया है आपने, इन नॉट मेरिट वाला टीचर को, उसने पूरे बिहार का चीरहरण कर दिया, बिहार को शर्मसार कर दिया, बिहार को शिक्षा व्यवस्था का इज्जत प्रतिष्ठा को गर्त में मिला दिया। कहीं अब मुंह दिखाने लायक बचे हैं आप? नाक कटवा दिया ना आपके अयोग नॉट मेरिट के टीचर ने, जिसको एडमिशन के स्पेलिंग नहीं आता है, हेडमास्टर के स्पेलिंग नहीं आता है, डिप्रेशन को डिस्परेशन बोलता है, है? ऐसा ऐसा डिफेक्ट को डिस्फेक्ट बोलता है, जिसको बात नहीं करने आता जी, जो टीचर का टीचर लगता नहीं है। एक तो कि आपने 1-2 लाख वैसे अयोग्य शिक्षकों की भर्ती कर दी और 50 लाख फिर से दीपक कुमार भेज रहे हैं, अबरी तो आपका पूरा का पूरा चीरहरण कर देंगे ये लोग। ये लोग वही है नॉट मेरिट वाला, क्या है, वही लोग है जिसको हेडमास्टर के स्पेलिंग नहीं आता, एडमिशन के स्पेलिंग नहीं आता, ये वही लोग हैं। तो क्या आप बिहार का चीरहरण करेंगे? और दूसरी बात, ये बिहार के गरीब बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है,
दिस इज अ ग्रेट कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द पुअर पीपल ऑफ दिस सोसाइटी। आप मानसिक रूप से विकलांग बनाना चाहते हैं बिहार के गरीब बच्चों को, क्योंकि दीपक कुमार जैसे अयोग्य और नॉट मेरिट के टीचर भेजेंगे तो आप तो मानसिक रूप से विकलांग बना देंगे ना है? अरे ऐसे ऐसे आयोग टीचर अगर भेजना ही है तो एक स्कूल में, अभिषेक भाई मेरा विचार है एक स्कूल में एक टीचर भेजिए कि हम लोग मल्टीपर्पज काम करवा लेंगे उनसे, ऑफिस का काम भी करने लायक तो नहीं है नॉट मेरिट वाला, लेकिन जाइए अगर बेरोजगारी और रोजगार के नाम पे देना ही है तो हम लोग मल्टीपर्पज काम करा लेंगे, कॉपी रजिस्टर मेंटेन करवा लेंगे, यही काम करने लायक है नॉट मेरिट के लोग। पांच तरह से अंग्रेजी बोलने वाला है, मैथ साइंस सोशल साइंस इंग्लिश सब गर्दा उड़ा के है, पांच तरह से इंग्लिश बोलने वाला, सारा जर्मन और फ्रेंच बोलने वाला, कहीं टीचर बिहार सरकार में देखा है? इतना फराटेदार बोलने वाला आपको कहीं मिला है बिहार सरकार में टीचर? कहीं नहीं मिला। तो इसीलिए नॉट मेरिट को सीधे सीधे बाहर करना बेहद जरूरी है। हम मेरिट धारी जब जाएंगे तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा बिहार सरकार का, आप जैसे पत्रकार कभी भी बिहार सरकार का चिरहरण नहीं कर पाएंगे। पूछेंगे एडमिशन का स्पेलिंग हमसे, पूछिए ना हेडमास्टर का स्पेलिंग। अनिल जी नॉट मेरिट वालों का हमेशा नाम आप लेते हैं, क्या दुश्मनी है आप? अरे दुश्मनी यही है कि वो लोग टीचर बन के कुछ भी बना दे, सरकार मंत्री बना देना हमें प्रॉब्लम नहीं है, टीचर नहीं बनाए हाथ जोड़ के विनती है, वरना बिहार के गरीब बच्चों का चीरहरण कर देगा, बिहार का व्यवस्था को गर्त में मिला देगा, बिहार के गरीब बच्चों को मानसिक रूप से विकलांग बना देगा, अयोग्य बना देगा, तीन तीन पीढ़ियों को नेस्नाबूत कर देगा वो लोग। मैं कह रहा हूं ना, कहा जाता है कि अगर आप कहीं पे पुल पुलिया का निर्माण करते हैं अभिषेक भाई तो एक दशक आबाद करते हैं, कितना दशक? किसी की शादी करवा दें तो एक पीढ़ी आबाद होता है, और अगर किसी को शिक्षित बना दें तो सात पीढ़ी आबाद कर देते हैं। आप बताइए तो आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं जी, जिसको कुछ नहीं बजाता है। कि शिक्षा मंत्री जी आप अपनी गलतियों के कारण आपने विज्ञापन नहीं पढ़ा और जब रिजल्ट घोषित कर दिए तो तुगलकी फरमान कर दी कि सभी शिक्षक जो पास हैं सभी की नौकरी पक्की। आप एक लाइन में इसको एक्सेप्ट कर लेते कि हमसे भूल हो गई है, मेरिट में जो है उन्हीं को हम शिक्षक बनाएंगे, तो ना आपको ये कमिटी की गठन करना पड़ता और न ये विवाद उत्पन्न होता और न बिहार को ये समस्या झेलना पड़ता। बच्चे स्कूल में हैं लेकिन टीचर नहीं हैं, हाई स्कूल में टीचर एक टीचर पे 500 विद्यार्थी हैं, क्या है? और दूसरा नंबर बात, पूरे देश में एग्जाम नहीं हुआ, आपने मैट्रिक इंटर का एग्जाम ले रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं, कहाँ से एग्जाम ले रहे हैं, कैसे बच्चा पास कर जा रहा है? अरे आप भविष्य बर्बाद कर रहे हैं बच्चे को, स्कूल में शिक्षक नहीं है जी, एक शिक्षक नहीं होता किसी स्कूल में। मैं बड़े बड़े डॉन बॉस को जेबीएस से पटना सेंट्रल तक पढ़ा चुका हूँ प्राइवेट स्कूल्स में, किसी भी स्कूल में अगर एक शिक्षक नहीं रहे तो उसे स्कूल का पठन पाठन प्रभावित हो जाता है। ये बिहार सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री के ऐसे ऐसे स्कूल है जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। वाह रे वाह, कैसे पढ़ाई हो रहा है भाई, कैसे अटेंडेंस बन रहा है? रिजल्ट जो मैट्रिक इंटर का है 100% सीबीएसई सबसे ज्यादा लेट में ले रही है, जबकि सीबीएसई एग्जाम लेने में और परीक्षा परिणाम घोषित करने में नंबर वन है, वो भी समस्या को समझती है कि बच्चे के कोरोना होते, लेकिन बिहार बोर्ड सबसे पहले एग्जाम ले लिए, सबसे पहले रिजल्ट दे दिया, झंडा क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया में हम रिजल्ट दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, शिक्षक तो है नहीं। इन्विजिलेटर प्राइमरी वाले थे इस बार, कॉपी चेक करने में लगाया हुआ था प्राइमरी और मिडिल वाले को, महाराज जो बीएड कर लिया है ना अभिषेक भाई, उसको लगा दिया था मिडिल स्कूल वाला। बताइए तो मिडिल स्कूल वाला लगाएगा, और हम जैसे विद्वान आदमी सड़क पर मारे चल रहे हैं, बिहार का सेवा करना चाहते हैं। जी एसटीटी के मुद्दे पे बात करते हैं, तीसरा संदेश क्या जाएगा उन तमाम एसटीटी के मेरिटधारी अभ्यर्थियों? 6 जून से जो हम आमरण अनशन शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि एक सोनुआ नहीं है इस राज्य में, करोड़ों सोनुआ है। एक सोनुआ को तो आपने प्राइवेट स्कूल में करवा दिया, करोड़ों सोनुआ कहाँ जाएगा? करोड़ों सोनुआ के लिए तो नॉट मेरिट का टीचर भर दिया आपने, दीपक कुमार भर दिया,
लाखों दीपक कुमार रख के बैठे हैं, 50,000 और दीपक कुमार अयोग्य टीचर नॉट मेरिट आप भरने वाले हैं, जिसको संडे और मंडे के स्पेलिंग नहीं आता। हमने तो कई बार कहा है कि संडे और मंडे, आज तो सबूत हो गया एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आया। बताइए तो एडमिशन, टीचर कह रहा है कि एडमिशन के लिए वो बच्चा आया था, तो पत्रकार भाई बोल दिए कि एडमिशन का स्पेलिंग बता दीजिए सर। फिर बोले कि हेडमास्टर साहब से साइन करवाने आया था, बोला हेडमास्टर साहब का स्पेलिंग बता दीजिए सर। हाय रे व्यवस्था, शर्म भी नहीं आता इन लोगों को, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। कि अब तो शिक्षा मंत्री समझे कि मेरिट में होता क्या है, पावर होता है, कलम में ना पावर होता है। अगर शिक्षित व्यक्ति को आप लीजिएगा ना, तो नाम हंसाने नहीं देगा। बिहार की धरती है जहाँ से ज्ञान पुरुष पैदा हुए थे, यहाँ ज्ञान की धरती है, ज्ञान गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, यही बिहार की धरती है। आज पूरे देश में क्या हो रहा है, अपमान हो रहा है कि बिहार में ऐसे ऐसे टीचर हैं जिनको कुछ नहीं आता है। किसने किया, क्यों किया, क्या यहाँ मर गए थे? शिक्षित व्यक्ति नहीं है, पूरे बिहार में जितना शिक्षा पे जोर दिया जाता है गार्जियन लोगों को, और बच्चे पढ़ते दिन रात पढ़ते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं, क्यों आप नहीं देते हैं? यहाँ पे जिसका नंबर ज्यादा होगा, पैसा जो ज्यादा खर्च करेगा, वो एकेडमिक में नंबर ज्यादा लाएगा, उसको आप लीजिएगा, तो क्या पढ़ाएंगे शिक्षक? मैं 2 टाइम नेट GRF क्वालिफाइड हूँ, पटना यूनिवर्सिटी से 2011 में PG हूँ, PhD कर रहा हूँ, और मैं मेरिट में हूँ। और आप ऐसे टीचर को नहीं लीजिएगा तो कैसे टीचर को लीजिएगा? जो 45% लाइक नहीं भी था, वो उनको लीजिएगा, क्या पढ़ाएंगे वो? शिक्षा मंत्री जी, आप सुनिए, आपको आज ओपन चैलेंज कर दे रहे हैं, पटना के टीचरों को आज पकड़ के लाइए, जो पटना सेंट्रल में पढ़ाता है, डॉन बॉस्को और जेवियर में पढ़ाता है, अनिल से डिबेट करा दीजिए, जाइए कराइएगा, पटना के टीचरों को लाइए ना, डॉन बॉस्को और जेवियर के टीचर से आप बात करिए, पटना सेंट्रल को अनिल से डिबेट कराइए, अनिल डिबेट करेगा, आई विल डिबेट विद देम ऑन एनी इशूज, नेशनल इंटरनेशनल इशूज। हमारे जैसे शिक्षक अगर बिहार सरकार के सरकारी स्कूल में आएंगे तो कोई पत्रकार फंसा नहीं सकता है कि हेडमास्टर का स्पेलिंग बताओ, एडमिशन का स्पेलिंग बताओ, बिहार के वित्त मंत्री बताओ, हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का नाम है, हाय रे, मन करता है चप्पल निकाल के मारे इस माथा पर, मन करता है कि चप्पल निकाले और मारे माथा पर 5 जूता अपना माथा पर, काहे के लिए, बड़ी गलत कर दिया साला, ये राज्य में जन्म लेके यहाँ कुकर्म होता है, मेरिट के साथ ना इंसाफी होती है। नॉट मेरिट के दीपक कुमार को बहाल करने के लिए इतना कुकर्म किया जाता है, विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है हमें छांटने के लिए, और नॉट मेरिट को भरा जाता है जिसको हेडमास्टर का स्पेलिंग और एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आता है, डिप्रेशन को डिस्परेशन बोलता है, वैसे टीचर्स को आप लेंगे, शर्मसार करेगा आपका, चीरहरण करेगा बिहार का शिक्षा व्यवस्था को, पूरे दुनिया में नाम को हंसा देगा, कहीं आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्या बोलेंगे शिक्षा मंत्री जी कि हमारा शिक्षक यही है? चौथा संदेश क्या जाएगा उन अभ्यर्थियों के लिए? अभ्यर्थियों के लिए संदेश मेरा एक ही है कि मेरे साथियों, मैं शुरू से इस बात का वकालत किया हूं कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा, एक ही रास्ता है, वो है आंदोलन का, अनशन का, अनिश्चितकालीन आंदोलन, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे हम लोग बैठ रहे जा रहे हैं 6 जून से, और उठेंगे नहीं जब तक मामला सरकार हल न करे, प्राण का त्याग कर देंगे, भूख से अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, लेकिन नहीं उठेंगे। ये सरकार हमें आतंकवादी बनाना चाहती है, उग्रवादी बनाना चाहती है, लेकिन हम राष्ट्रभक्त और देशभक्त हैं, हम नहीं ऐसा करना चाहते, हम आतंकवादी और उग्रवादी नहीं बनना चाहते, हम संविधान के दायरे में रह करके काम करना चाहते हैं और बिहार को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, 5वां संदेश बता दीजिए तमाम एसटीटी मेरिट अभ्यर्थियों को। मेरिट अभ्यर्थियों को बस मेरा यही संदेश है कि अगर आप नहीं बैठोगे, अगर आप धरना पे नहीं बैठोगे, अनशन पे नहीं बैठोगे, घर में बैठे रह जाओगे, तो आपके साथ नाइंसाफी होगी, आपके साथ अत्याचार होगा। मेरे साथियों, यह आंदोलन और अनशन नहीं है, ये बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का एक संकल्प है, ये आपके परिवार को नंबर 1 बनाने का एक संकल्प है। आज के 5 साल बाद आपके शरीर पे कैसे कपड़े होंगे ये तय करेगा यह आंदोलन, आज से 5 साल बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी ये तय करेगा यह आंदोलन। मेरिट धारियों साथियों से हम कहना चाहेंगे कि ये आंदोलन लास्ट आंदोलन है,
इस आंदोलन के बाद हम अपनी नौकरी पक्की, चाहे जो हो, या तो गर्दनी बाग धरना स्थल पर हमारी मृत्यु होगी आमरण अनशन में, या नौकरी की नियुक्ति का हम लेके जाएंगे। नहीं हटना है, नहीं हटना। अगर अब शेख भाई अगर इस विचार के साथ आ रहे हैं तो हमने तय कर लिया है, तो एक के बाद दो हो गए हैं, अब ऐसे ऐसे कितने हैं वो तय कर लें। अगर 30,675 आ गया ना, तो कौन माई केलाल पैदा लिया है जो मेरे साथ नाइंसाफी कर दे, गद्दी छोड़ के भागना पड़ेगा। बस हम यही कहना चाहते सभी अभ्यर्थियों जो मेरिट में है, लड़ाई अपनी है, अपने लिए आना है, किसी दूसरे के लिए नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, अपनी नौकरी के लिए आंदोलन में आना है। एक एक बूंद से तालाब भरता है, और आप अपनी नौकरी पक्की करने के लिए 6 जून से इस आंदोलन में भारी संख्या में आइए और देखिए कि कौन रोक सकता है। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर देखना कितना बाजू है कातिल में, तो देखेंगे कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जो है उनमें कितनी पावर है कि मेरिट को हटा के नॉट मेरिट को बहाल कर देते हैं, देख लेते हैं। और देखिए मैंने अपने साथियों को यह दूसरा संदेश भी दिया कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा आपको, पुलिस की पहली लाठी मेरे माथे पर होगा ये वचन है मेरा, भूख से प्राण का त्याग कर दूंगा लेकिन कभी हार नहीं मानूंगा, ये दूसरा मेरा वचन है। किसी भी रूप में कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं और कभी भी शर्मिंदा नहीं करूंगा। और आपको अभिषेक भाई, सारे पत्रकार बंधुओं को और बिहार के 12 करोड़ महान जनता को, सरकार को कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा अगर मैं टीचर बन जाऊंगा तो। आप लोगों को भी गर्व होगा कि अनिल जैसे और अभिषेक जैसे टीचर हैं इस राज्य में। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप डॉन बॉस्को और जेबियर और पटना सेंट्रल ये सब संत माइकल लोयला के टीचर्स लाइए और आई वांट टू डिबेट विद देम। बिल्कुल, देख सकते हैं एसटीटी के दो मेरिटधारी अभ्यर्थी थे हमारे साथ, एक का नाम अभिषेक कुमार झा है तो दूसरे का नाम अनिल कुमार है, जो कि हमेशा आपसे मिलते हैं और लगातार तमाम एसटीटी के मुद्दे पे हम तमाम बातें करते हैं हमसे। वहीं बता दें आपको कि 6 जून को महाआंदोलन होने जा रहा है एसटीटी मेरिटधारी अभ्यर्थियों का, वहीं इन्होंने आह्वान किया है और तमाम अभ्यर्थियों से जो बातें कही है इन्होंने कि तमाम अभ्यर्थी एक साथ उतरें और इस बार अगर आंदोलन होगा तो इस बार हम उठेंगे नहीं, डटे रहेंगे जब तक हमारा नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि शिक्षा मंत्री इनकी बात कब तक सुनते हैं और इनकी बहाली कब तक होती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।